नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूहे सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। आखिर कैसे लगातार हो रही है बारिश और बादल फटने से बदली देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर। क्यों हो रहा है बदायूं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और कैसे मनाई गई देश और दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी, जानेंगे सब। लेकिन पहले रुख करते हैं सबसे पहली खबर की, जो अलीगढ़ से है। थाना देहली गेट क्षेत्र के गूलर रोड में शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे जन्माष्टमी पर हांडी कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी के विवाद में दो समुदाय आपस में आमने सामने भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। एक समुदाय के कुछ युवकों पर धर्म स्थल में खींचकर ले जाने और बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों ओर से कई लोग जख्मी हुए। देर रात घटनास्थल पर पुलिस के साथ आरएएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर एसएसपी का कहना है कि दो पक्षों में झड़प हुई और अभी तक एक पक्ष सामने आया है, जिसकी ओर से तहरीर ले ली गई है। फिलहाल सब कुछ शांत है, आगे तथ्यों और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये देर रात थाना दिल्ली गेट के गुलर रोड स्थित क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर दो पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है। इस पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी एवं मेरे स्वयं द्वारा वहाँ पर पहुंच करके कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए जो घायल थे सर्वप्रथम उनको अस्पताल भेजा गया और उनकी तहरीर के आधार पर जो आरोपित पक्ष है उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ये जो मामला बताया गया है छींटाकशी से लेकर के शुरू होना बताया गया है। इसमें समस्त वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुसंगत धाराओं में जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसके क्रम में गिरफ्तारियां की गई हैं। बदायूं में लाठी डंडे चलते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो हजरतपुर थाना क्षेत्र के मुरैना गाँव का बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज के साथ दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हजरतपुर पुलिस के अनुसार लाठी डंडे चलने से घायल हुए व्यक्तियों को हजरतपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आगे की जांच की जा रही है। देश दुनिया के साथ ऋषिकेश में भी शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। भारी बारिश के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजाए गए मंदिरों में दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे। खास तौर पर मुनिकीरेती स्थित मधुबन आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया आश्रम देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सुबह से लगातार जहां राम नाम के साथ श्री कृष्ण नाम का भजन कीर्तन चल रहा था, वहीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही आश्रम में काफी लंबी लाइन लगी रही। आश्रम के स्वामी परमानंद दास प्रभु ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों श्रद्धालु सुबह से अभी तक आश्रम में आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं। जो आश्रम नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी आश्रम की ओर से की गई है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां यमकेश्वर तहसील में नीलकंठ महादेव के करीब रात के लगभग 2 बजे बादल फटने से हेमवल नदी में बाढ़ आ गई। नदी के किनारे बने कई रिसोर्ट बह जाने से जानमाल की क्षति होने की खबर मिली है। अभी तक रेस्क्यू के जरिए स्थानीय आपदा प्रशासन नहीं पहुंच पाई है। फोन पर सूचित करने पर सिर्फ सीओ पौड़ी प्रेम लाल चमटा ने फोन उठाया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई है। खबर सिद्धार्थगंज से है, जहां लापता बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे से पहले सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा बस में सवार होकर पिता के घर खटीमाजा पहुंचा था। पुलिस पारिवारिक स्थिति का पता लगाकर बच्चे तक पहुंची। हर तरफ पुलिस के इस काम की सराहना की जा रही है। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह फरत्याल ने बताया कि 17 अगस्त को जामा मस्जिद वार्ड निवासी शाजिया का 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रजा घर से लापता हो गया था। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज करते हुए लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी। खोजबीन करने पर पता चला कि शाजिया की 2 शादी हुई है। शाजिया का पहला पति भूरा वर्तमान में खटीमा के चारूबेटा में रहता है। मोहम्मद राजा भूरा का ही पुत्र है और इसलिए वह अपने पिता के पास जा पहुंचा था। अगली खबर उत्तराखंड से है। 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। राजधानी देहरादून के ही अलग अलग क्षेत्रों में बादल फटने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। इन क्षेत्र में नदियों का जलस्तर डरा रहा है। मालदेवता के आसपास बादल फटने से रायपुर क्षेत्र में जाने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र खतरे की जद में है। देहरादून में बादल फटने की घटना से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसका असर लक्सर में देखा जा रहा है। लक्सर से बह रही नीलधारा गंगा और सोनाली नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं नीलधारा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।
प्रशासन ने गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। साथ ही लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट भी कर दिया है। किसी भी समय रिहायशी इलाकों में पानी घुस सकता है, इसके लिए SDRF को चौकियों पर तैनात किया गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से कुछ सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन रायवाला की गोहरी माफी क्षेत्र में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। सुरक्षा दीवार के ऊपर से गंगा का पानी क्रॉस कर चुका है और गंगा का पानी गाँव के अंदर भरने लगा है। आपदा प्रबंधन SDRF की टीम जगह जगह अलर्ट मोड पर है। लोगों को प्रशासन की टीम सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद प्रशासन ने आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। देहरादून के पास सरखेत में बादल फटने से क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। तेज पानी के साथ आए मलबे से घरों में पानी घुस गया है। उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना अब तक नहीं मिली है, लेकिन घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। समय जो हमारी बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जहां पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। उसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने की घटना से नदियां उफान पर है। कई गांवों में घरों को नुकसान पहुंचा है। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर रायपुर थानो मार्ग के क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रशासन और SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।